नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी। सतीश पूनिया का सीएम गहलोत सरकार पर हमला। सरकार ने पेपर लीक होने के कारण वन रक्षक की एक परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो सकते। झुंझुनू में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार वीक है, इसलिए तो पेपर लीक हो रहे हैं। प्रदेश की सरकार नौजवानों के साथ इतना बड़ा पाप कर रही है। यदि सरकार गंगा में 100 डुबकी भी लगाए तो उनके पाप धुल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि माँ बाप बड़े अरमानों के साथ पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाए, ये सरकार 70 लाख युवाओं को परीक्षाएं दिलवाती है, 1 लाख को नौकरी देने का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उन 70 लाख युवाओं के अरमानों के बारे में कुछ नहीं सोचती। ये पाप सरकार ने केवल नौजवानों के साथ ही नहीं किया, बल्कि यही पाप उन्होंने किसानों और अबलाओं के साथ भी किया है। पहले नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रामाणिक तरीके से संगठित नकल लीक माफिया पैदा हो गया है। इनके सरगना कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि सरकार ने नकल और पेपर माफियों को छूट दे रखी है। इससे जुड़े माफियों को सरकार का संरक्षण है। सरकार ने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं है। बिना सरकार के हाथ के लगातार इस तरह के कांड नहीं होते और पेपर लीक नहीं होते। उन्होंने आह्वान किया कि वे नौजवानों के बीच जाएं और उनकी आवाज बने। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी पेपर लीक के मामले में सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि केवल वन रक्षक भर्ती परीक्षा ही नहीं बल्कि सरकार की दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, नकल कार्रवाई की गई है। अब वन रक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होना सरकार के मुंह पर तमाचा है और बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। एक बार फिर साबित हो गया कि सरकार में पेपर माफियों की जड़ें गहरी है। उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा सिस्टम के साथ पेपर माफिया जुड़ गए हैं। जो सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने 1 लाख नौकरियां दे दी है, अब इन सभी परीक्षाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।